अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने ये लेस वाला डिज़ाइन लाई हूँ, जो ये बनाने में कितना आसान है और बहुत ही खूबसूरत है देखने में। आप इसे किसी भी दुपट्टा में भी इस तरह से लगा सकते हैं लटकन के तौर पे, और नहीं तो आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हमने ये ऊल लिया है। ये 2 प्लाई का ऊल है, लेकिन ये मैंने दूसरे ऊल से आपको बता रही हूँ। तो चलिए, इसके लिए देखिए हम 10 चैन लेंगे। ये देखिए 2 चैन हो गया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 7 चैन लगेगा, लेकिन 3 चैन एक्स्ट्रा हमने लिया है इसमें। तो ये देखिए, इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इसी में 3 बार इस तरह से बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हम इधर पलट देंगे और 3 चैन लेंगे और इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 के ऊपर 2 हो गया। फिर हमें इसके अंदर से दो बार और बनाएंगे, तो देखिए 4 बार हो गया। फिर 2 चैन लेंगे इस तरह से, फिर 2 चैन लेंगे और इसमें इसके ऊपर से हमें यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर इधर पलटेंगे और 3 चैन लेंगे और फिर इसके ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया इसलिए बनता है, ये आपका सिलाई में जाएगा, आप किसी कहीं भी लगाइएगा तो इसके ऊपर सिलाई रहेगा। चाहे सिलाई को पलट दीजिए या सिलाई के ऊपर से ही, कपड़े के ऊपर से भी लगा सकते हैं, तो इसी के ऊपर आपका सिलाई चलेगा, इसलिए ये 3 बार बनाया गया है। फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसमें 2 बार ये देखिए, ये देखिए नीचे 4 और 2, 2, 4, 6 हो गया। फिर हम इस तरफ पलट देंगे, इस तरफ पलटने के बाद 3 चैन लेंगे और फिर इसके ऊपर से ये देखिए, ये 6 हो गया और फिर हम इसमें से 2 बार और एक्स्ट्रा बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो ये 8 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर 2 चैन लेंगे और उसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया
इस तरह से बनाएंगे। फिर दो बार चैन लेंगे और इस तरह से तीन बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो देखिए ये मेरा चार लाइन का लेस कंप्लीट है। अब हम दूसरा ये वाला डिज़ाइन शुरू करने के लिए वो भी बता देते हैं। ये देखिए, तीन चैन लेंगे और इसके ऊपर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चैन लेंगे और इसके ऊपर दो बार डबल क्रोशिया। और फिर दूसरा डिज़ाइन शुरू करने के लिए दो चैन लेंगे और यहाँ पे हमें दो बार इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से दो बार डबल क्रोशिया। फिर दो चैन लेंगे और उसी तरह से नीचे जिस तरह से हमने बताया है, दो के बाद चार बनाना है। ये देखिए, ये दूसरा डिज़ाइन शुरू करने के लिए है। तो देखिए इसमें हम पम्पम किस तरह से लगाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये हमने एक मोती लिया है और एक पम्पम लिया है। तो इस पम्पम पे इस तरह से आप लेंगे और ये मोती इस तरह से लगा देंगे। और आपको यहाँ पे स्टिच करने कर लेना है नीडल से इस तरह से। तो देखिए ये किस तरह से पम्पम आपका बनके तैयार है। ये इस कलर में, ये रेड वाला कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसी तरह से ये लेस बनाइए और अपने दुपट्टा में लगाइए या कुर्ती में कहीं भी लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा। और अपने परिवार में, अपने फैमिली वाले को साथ ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें मेरे चैनल को और ये बार एक लाइक ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस को पूरा देखिए।